मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट टाइम क्या बोला था, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जब हमारे पास किसी नंबर की प्लेस वैल्यू होती है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हम प्लेस वैल्यू का सम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है मैच द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास एक तरफ नंबर दिए हुए, दूसरी तरफ एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए। हमने क्या करना है, जो जिस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म बनती है हमने उसका क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले से हमारे पास है 23, तो यहाँ पे 3 कौन से नंबर पे है, 1 पे, और 2 कौन से पे है, 10 पे। 3 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 3, और 2 की आएगी 23, किससे मैच होगा, 20+3 से। तो यहाँ पे आपने देखना है 20+3 का है ये है। नेक्स्ट हमारे पास है 47, यहाँ 7 कौन से प्लेस पे है, 1 पे, और 4 कौन से प्लेस पे है, 10। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी, 7, और 4 की क्या आएगी, 40, क्योंकि हम ये 10 पे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे तो उसको 1 से। जब 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, और 4 का आएगा 40। तो 40+7 यहाँ हमने फाइंड आउट करना है कहाँ है, तो ये है 40+7, तो इसको इससे मैच कर देना है। नेक्स्ट है 59 में हमारे पास 9 है 1s के प्लेस पे, और 5 है 10s प्लेस पे। तो 9 की प्लेस वैल्यू आएगी 9, और 5 की आएगी 50, तो किससे मैच होगा, 50+9। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 50+9 का है, तो ये है 50+9। नेक्स्ट हमारे पास है 63, तो अब हमने यहाँ पे फिर से सेम वैसे ही चेक करना है, 3 कौन से प्लेस पे है, 1s, और 6 कौन से प्लेस पे है, 10s। 3 की प्लेस वैल्यू आएगी 3, और 6 की आएगी 60, तो 60+3 यहाँ फाइंड आउट करते, 60+3। नेक्स्ट है 48, 8 कौन से प्लेस पे है, 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 8, और 4 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो इसकी आएगी 40, तो 40+8 यहाँ फाइंड आउट करना है, तो कहाँ है ये 40+8। नेक्स्ट है 80, तो मैं आपको बताया था 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो 8 कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो इसकी आएगी 80। तो 80+0 फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास 80+0 ये है, तो इसको इससे मैच करते हैं। नेक्स्ट है 77, अब 7 कौन से प्लेस पे, ये वाला 1s पे, और ये है 10s पे, क्या आएगा 7+70+7, तो 70+7 ये है, तो हमें इसको इससे मैच करना है। नेक्स्ट है लास्ट 29, तो 9 कौन से प्लेस पे है, 1s, और 2 कौन से प्लेस पे है, 10s, तो 9 की प्लेस वैल्यू आएगी 9, और 2 की आएगी 20, तो 20+9 इसको इससे मैच कर देना है, तो ये हमारे पास यहाँ मैच हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको जो ये मैच समझ में आ गया, हमने कैसे कि इजी है, जो हमारे पास नंबर दिए हुए हैं हमने उसको किससे मैच किया, उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म से। तो आपने एक बार समझ लिया, उसके बाद बुक पे आपने खुद जो है वो मैच करने हैं।